आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट डीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे लाते। आज हम शुक्र ग्रह की बात करेंगे। शुक्र ग्रह कैसे आपको मालामाल बनाता है, कौन से फायदे देता है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप कैसे बन सकते हैं मालामाल, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और साथ ही किन विषयों पर चर्चा करेंगे आइए जानते हैं। राशि के हिसाब से कैसा रहेगा आपका आज का दिन, कुंडली में शुक्र की चाल कैसे बना दी, लक्ष्मी दिलाने वाले शुक्र के अचूक उपाय जानेंगे, माँ लक्ष्मी और शुक्र का क्या कनेक्शन होता है, कुंडली में शुक्र के प्रभाव और आपको होने वाले फायदे नुकसान की जानकारी देंगे। शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है और अपना सवाल करना है और डिटेल्स के साथ आप अपना फोन नंबर हमें फेसबुक पर ही भेजिए, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, उस पर आप अपनी परेशानी और फोन नंबर हमें लिख भेजिए। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। हम अपना पहला कॉलर लें उससे पहले हम गुरुदेव से आपका राशिफल जान लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी आती है मेष वृषभ और मिथुन राशि वालों की, आज का राशिफल जानने की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। आज जो भी कार्य करेंगे उसी में सफलता प्राप्त होगी। परिवार से मिलने वाले सुख और सहयोग में भी वृद्धि होगी। मित्र वर्ग का भी अच्छा साथ प्राप्त होगा। वृषभ राशि के बच्चों के लिए आज का दिन उत्तम है। उनकी पढ़ाई लिखाई खेलकूद के लिए आज का समय बेहतर है, परंतु वृषभ राशि के जो बड़े लोग हैं उनको आज अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना चाहिए। बेमतलब का किसी के साथ में वाद विवाद भी हो सकता है या कोई झूठा आरोप भी लग सकता है और बेमतलब के फालतू के खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रख के चले, दिन उत्तम होगा। मिथुन राशि वालों के लिए ज्यादातर तो दिन खुशी भरा रहेगा। परिवार की तरफ से भी हर तरह की प्रसन्नता का माहौल होगा। मनोरंजक यात्राएं भी होनी संभव है। कामकाज भी ठीक ठाक हालात में चलेगा, परंतु थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा, थोड़े से दुर्घटना का योग भी बना हुआ है। गुरु जी सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि शुक्र ग्रह की क्या अहमियत होती है हमारी जिंदगी में और कुंडली में क्या इसका योगदान होता है। शुक्र ग्रह बेटा कुंडली के अंदर अगर देखा जाए तो अहमियत ही इसकी है। जो तो साधु फकीर हैं, जो संत बन गए, जिन्होंने लोगों को उपदेश देने हैं, अपने कामकाज के लिए उनको चलाना है, यानी कि लोगों को सही मार्ग दिखाना है, तो उनको तो शायद शुक्र की जरूरत नहीं होती। पर फिर भी शरीर तंदुरुस्त रहे इसलिए उनको भी इसकी जरूरत पड़ती है। एकमात्र शुक्र ही ऐसा है जो पूरी जिंदगी इंसान के पूरी तरह से काम आता है। कारण कि अगर इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो जाए तब भी कुछ नहीं कर सकता, अगर हड्डियों में जान ना रहे तो भी कुछ नहीं कर सकता, अगर इंसान नई नई बातें सोच के उनके लिए प्रयास ना करे और बिल्कुल शिथिल होकर बैठ जाए तब भी वो कुछ नहीं है। तो बेटा सही मायने में तो शुक्र ही सब कुछ है। शुक्र हमारे खून का ही यानी कि मंगल का ही एक अंश है और जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला भी यही है और जिंदगी को चलाने वाला भी यही है। और इस धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु बड़े हैं, कहने का मतलब जो मियां बीबी के भूख के बाद में उसके बाद में नया जीव उत्पन्न होता है वो ताकत भी तो शुक्र ही देता है। और हमारी हड्डियां जिनके सहारे हम जिंदगी के अंदर तंदुरुस्त रहते हैं वो हड्डियां भी ये शुक्र ही बनाता है। बेटा एक शुक्र ही ऐसा है जो जन्म कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा अरसा इसका होता है, चाहे इसकी महादशाएं, चाहे इसकी अंतरदशाएं या प्रयंत्र दशाएं, सबसे ज्यादा समय जन्म कुंडली के अंदर यही चलता है। और शुक्र जो भी इंसान शुक्र के प्रभाव में होगा वो बचपन से ही काफी अच्छा हर काम को संपूर्ण करने वाला होता है, नए नए शौक पालने वाला होता है। और जितने बच्चे अपनी मेहनत के बलबूते कमाई करते हैं, शुरुआत से ही माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होते
और जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई नए नए जुगाड़ करके वो जिंदगी के अंदर जो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, उनका शुक्र ही तो अच्छा होता है। यही बच्चे वो होते हैं जो अपने लिए जीवन साथी भी कई बार स्वयं चुन लेते हैं, या इनकी ख्वाहिश ही एक होती है कि हमें सुंदर और अच्छा जीवन साथी चाहिए। इन लोगों की भाषा शायद आम दुनिया को समझ नहीं आती, क्योंकि जब भी इनको कुछ पाना होता है बेटा, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऊंचा पाने की सोचते हैं। लग्जरीज का शौक जितना भी होता है वो सब शुक्रदेव ही देते हैं, समझे? तो बेटा शुक्र की प्रधानता, इसे तो मानना ही पड़े। शुक्र यानी कि माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की आरती में भी आता है ना कि माँ लक्ष्मी के बिना तो पूजा पाठ भी संभव नहीं है, उसका सामान किसी भी तरह का ऐश्वर्य कुछ भी संभव नहीं है। कारण ये है कि जो हम काम कर रहे होते हैं उसके अंदर जो सोच हमारी होती है, उसके अंदर जो वर्किंग हमारी होती है, ये बाकी के ग्रह करवाते हैं मिलके, और इनके प्रभाव से जो सही मायने में एक सोच और हिम्मत पैदा होती है, जिस हिम्मत के सहारे उन कामों को सोच के करके जो रिजल्ट निकलना होता है, वो रिजल्ट का नाम ही शुक्र है। यानी कि इंसान जितना चुस्त चलाक तेज होगा, अपने लिए फायदा सोचने वाला होगा बेटा, वही शुक्र होता है। इसीलिए शुक्र को स्थान दिया गया है ग्रहों में राक्षसों के गुरु श्री शुक्राचार्य जी का। कहने का मतलब दिमाग की तेजी, यही जो आइडिया बना करके जो कमाई करने के रास्ते खोल देती है बेटा, उसी को शुक्र बोलते हैं। इसीलिए शुक्र का बहुत अहम स्थान है। ये अगर जन्म कुंडली में अच्छा है तो समझ लो आपकी जिंदगी पार। और चाहे बेटा इंसान सादे भेष में हो, लग्जरी लिबास में हो, या बाबा के लिबास में हो, और अगर उसका शुक्र अच्छा है तो ही वो जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम कर पाता है, तो ही कमा पाता है। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो इंसान फकीर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और अब बारी आती है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज आप सभी का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। हर तरह का परिवार का सुख मिलेगा, नई नई दोस्तियां भी करने के लिए आज का दिन उत्तम है। और आज के दिन अपने बड़ों का कहना मानना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनके साथ सुख सहयोग होना, ये सब भी उत्तम है, और स्वास्थ्य भी सामान्य तौर पर अच्छा ही रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए भी आज खुशी भरा दिन है। कामकाज में हर तरह की सफलता प्राप्त होगी, जितनी मेहनत करोगे उतना ही पाओगे, और काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व आज आप दिखाई देंगे। परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा, और यात्रा का समय भी है आज के दिन, कोई ना कोई यात्रा भी संभव हो सकती है। कन्या राशि वाले आज अगर थोड़ा संयम रख के चलेंगे, अपने मन में क्रोध नहीं बढ़ने देंगे, तो दिन उत्तम होगा। क्योंकि अगर क्रोध बढ़ा तो किसी न किसी के साथ मतभेद भी होंगे। अगर इस चीज से बचाव करें तो हर तरह के शुभ कार्य घर परिवार के अंदर भी संपन्न होंगे, भाई बंधुओं के साथ में भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, और धैर्य के साथ जो भी काम करेंगे वो भी सफल होगा। गुरुजी आपने ये तो बता दिया कि शुक्र अच्छे फल देते हैं तो क्या लक्षण होते हैं, लेकिन अगर शुक्र कुंडली में बुरे फल दे रहे हैं तो किस तरह के लक्षण होते हैं? बड़ा शुक्र अगर बुरा हो जाए तो समझ लो हमारे शरीर का जोश, हमारी हड्डियां, हमारा काम करने का स्टाइल सब बुरा हो जाता है। शुक्र जब भी बुरे होते हैं बेटा, सबसे पहले बच्चे का पढ़ाई लिखाई के अंदर ही मन नहीं लगता, और जो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, काम करते करते बीच में छोड़ देते हैं, उनको अगर शुरुआत में नौकरी पे लगाओ तो वो वहां दो दिन भी अगर नहीं टिकते तो समझ लो शुक्र खराब है। और ऊपर से ऐसे ही बच्चे जब युवावस्था या किशोरावस्था के अंदर होते हैं, काफी जोश दिखाते हैं, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके स्वभाव में एक अलग पंसा होता है कि बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी हालात से भागने का काम करते हैं। बेटा ये वाले हालात जब होते हैं तो समझ लो शुक्र का। फिर इन बच्चों को एक खास तौर पर तकलीफ आती है जब इनकी उम्र छोटी ही होती है, यानी कि 16 साल के आसपास, इनके पेट के अंदर बार बार दर्द उठते हैं, और कई बार तो 8-8, 10-10 दिन का ये दर्द बनता है जो दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं होता और बाद में अपने आप ठीक हो जाता है। फिर शुक्र की यही खराबी, ये काम पे तो पहले टिकने नहीं देती, पढ़ाई पे पहले टिकने नहीं देती, और उसके बाद में बच्चा जो खुद भी प्लानिंग बनाता है, बना करके उसको करने की कोशिश करता है बेटा, वो उस काम पे जाते जाते ही घर वापिस लौट आता है।
कहने का मतलब जो उसने खुद भी सोचा है, खुद भी करने की कोशिश करी है, उसको भी वो पूरा नहीं करेगा, वापस आ जाएगा। ये तो होगी उसकी जवानी की बात। अब उसकी मैरिड लाइफ में भी शौक से वो अपना जीवन साथी पसंद भी करेगा, शौक से शादी भी करेगा, लेकिन शादी होते ही उसको अपने जीवन साथी के अंदर कमियों पे कमियां नजर आने लगती है। छोटी छोटी बात के ऊपर टोका टाकी करने लगता है और जो उनका मियां बीबी का निजी सुख होता है उसको भी भोगने से बचने लगता है, क्योंकि कमियां निकाल के लड़ाई कर। जब ये अवस्था आती है तो ये ज्यादा घातक हो जाती है बेटा, क्योंकि यहां आके बच्चे के अगर घर का कोई काम हुआ और उसमें लगा हुआ हुआ तो माँ बाप जबरदस्ती बोलते कि हाँ हमारा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह जाता है शाम को आता है। लेकिन सच्चाई माँ बाप को पता होती है कि वो काम पे जाके भी वहां रह करके भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, समझे, वहां पर भी वो अपना मन नहीं लगा पाता काम के अंदर और ऐसे ही घर आता है। और इस चीज को अगर आप लोगों ने ज्यादा इग्नोर किया और इसके इलाज नहीं किए, फिर जैसे ही उम्र बड़ी होती है यानी कि 35 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, बैक पे यानी कि पीठ के ऊपर नसें चढ़ने वाले हालात, टांगों के अंदर नसें चढ़ने वाले हालात, समय समय के ऊपर ये घमोरियां वगैरह निकलना, ये प्रॉब्लम उसको आती है। फिर धीरे धीरे करके उसको गर्मी के अंदर गर्मी ज्यादा लगने लगती है और सर्दी के अंदर ज्यादा सर्दी लगने लगती है, और सिर्फ एक घूमने फिरने, ऐश करने और पैसे खर्च करने के अलावा उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। ऐसे बच्चे तो अपनी सेहत को ठीक करने के लिए जिम जाना चाहे ना, तो बेटा वो कपड़े भी खरीद के लाएंगे, जिम का बैग भी खरीद के लाएंगे, लेकिन एक दिन जाएंगे, दो दिन जाएंगे, शायद तीसरे दिन बिल्कुल नहीं जाएंगे। यहां तक कि ये शुक्र खराब वाले के हालात खराब होते हैं। और फिर यही नहीं, फिर जैसे ही उनकी 40 साल की उम्र आसपास आती है, पति पत्नी रहते तो एक छत के नीचे है लेकिन सिवाय दुश्मन की और कुछ नहीं होते एक दूसरे, और एक दूसरे के अंदर कमियां निकालना, एक दूसरे को कोसना, बस यही उनके जीवन का मेन मकसद बन जाता है। फिर ऐसे बच्चे को इंडिविजुअल अगर काम करवाने की सोच भी ली जाए तो ऐसा बच्चा चाह के भी काम नहीं कर पाता, वो सिर्फ काम नौकरों के सहारे चलता है और जिसके अंदर डूबने के पूरे पूरे आसार रहते ही हैं। फिर 45 साल की उम्र के बाद रोग इतने ज्यादा धीरे धीरे करके हो जाते हैं और इतनी तरह के हो जाते हैं कि उनसे निकल पाना वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे इंसान को मेहनत की आदत ही नहीं। तो बेटा ये है सही मायने में खराब शुक्र, और लंबे समय तक इसके अगर इलाज नहीं किए जाए तो बेटा ये शुक्र जीने नहीं देता, क्योंकि जिस बच्चे में जोश ही नहीं, जिसने अकल अभी लगानी ही नहीं, जिसने काम करने के लिए चाहना ही नहीं और जिसने कोई प्लानिंग बनानी नहीं, तो बेटा वो जिंदगी के अंदर सर्वाइव करेगा तो कैसे करेगा। ये सारे खराब सिम्टम्स बेटा शुक्र खराब किए हैं। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ भिवानी से वजीर चौधरी जी लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मुझे मेरी बड़ी गुड़िया के बारे में पूछना, उसकी डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर सन 2000 है, टाइम सुबह करीबन 2 बजे। वजीर जी आप सवाल कर सकते हैं। गुड़िया का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, जब वो छोटी थी तो बहुत इंटेलिजेंट थी पढ़ाई में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कक्षा की तरफ बढ़ती गई तो उसका पढ़ाई में मन कम लग रहा है, इसका कोई सोल्यूशन बताए। बेटा जो तुमने कहा बिल्कुल सही कहा, कारण ये है कि बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद कितनी देर के बाद कौन सी दशा आए बेटा ये हमारे हाथ बस में तो है ही नहीं, ये तो कुदरत ने जिस वक्त पैदा कर दिया उसके अनुसार जो समय चलना है बस वही होता है। बच्चे की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा चलने के कारण, और ये शुक्र की जब भी महादशा आती है और बच्चे की छोटी उम्र के अंदर आ जाए, और खास तौर पे उन घरों से इसका संबंध हो जाए जहां पर कि ये विपरीत लिंगी की तरफ अट्रैक्शन जल्दी बनाने लगे, तो बेटा बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब होती है, बच्चा बीमार भी होता है, उसके अंदर सुस्ती भी आती है, ये सारी तकलीफें आ जाती है। तो यहां पर बेटा जब तक तुम शुक्र का इलाज नहीं करोगे तब तक बच्चे के लिए कामयाबी के योग कमजोर है, पहली बात तो ये। दूसरा, तुम्हारा बच्चा मांगलिक है, लगन में बैठा हुआ मंगल, इसके लिए खास बात क्या कही जाती है, कहते अगर बच्चे को तुमने अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया तो ये तुम्हारे बच्चे का जीवन मिट्टी हो जाएगा, इसके बाद कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन अगर बच्चे को शुरुआत से ही मेहनत की आदत डाल के चले और अपना काम वो स्वयं करे, इस तरह की आदतें डाल के चली, तो ये मंगल
हीरा बनके दिखाता है। कहने का मतलब लगन के अंदर मंगल हो, बच्चे को मेहनत की आदत पड़ जाए तो ये बच्चा जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे स्तर तक घर की इज्जत को भी ऊंचा करता है, कामकाज में भी नाम कमाता है। लेकिन मंगल की टक्कर शनि देव को अष्टम भाव में जो अंदर ही अंदर डर का वातावरण पैदा करती है, घबराहट देती है, बच्चे की चालाकी को बढ़ाने का काम करती है और जिसकी वजह से उल्टा तकलीफें पैदा होती है, तो यहां पर इसका इलाज भी बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बेटा चार शुक्रवार चार आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर के उसको घास वाली जमीन के अंदर दबाओ, और दूसरा 43 दिन लगातार, ये उपाय तुम पिता होने के नाते कर सकते हो बेटा, 43 दिन लगातार लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला, जिस 8 किलो उड़द साबुत में सरसों का तेल लगा करके उसको जल प्रवाह करना और हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाना, ये बेहद जरूरी है। और जब भी बच्चा नहाए उसको कहना कि अपने पांव के नीचे चाहे लकड़ी का फट्टा रखे चाहे कोई पत्थर की सिल्ली वगैरह ला करके रखे, वो पांव के नीचे होनी बहुत जरूरी है। मात्र बेटा इतने से उपाय करके देखो, तुम्हारे बच्चे की लिखाई पढ़ाई भी अच्छी होगी, कामयाबी भी मिलेगी। बेटा या तो बच्चे को अपने को बैंकिंग की पढ़ाई करवाना या जहां टेक्नोलॉजी से संबंधित कॉल सेंटरों से संबंधित काम होते हैं और वहां पर जो आईटी क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उस तरह की शिक्षा देना, समझे, इन क्षेत्रों के अंदर तुम्हारे बच्चे की बहुत ही अच्छी कामयाबी लिखी है और जिंदगी के अंदर अच्छी समृद्धि लिखी है। दाता सुनते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नीता है मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मेरे पोते का नाम नकुल है, 6 जनवरी 2016 में हुआ है, रात को 11:15 उदयपुर राजस्थान में। अभी समय ऐसा चल रहा है कर्जे में डूब गए और गहने भी गिरवी रखे हुए हैं। बेटा बच्चे की कुंडली के अंदर जो चीज नजर आ रही है, इसके अंदर चंद्र शुक्र और शनि का मेल, ये जो मेल तीसरे घर का बैठा हुआ है, ये सच बात है कि ये यहाँ घर के अंदर के सुख समृद्धि और घर पे रहने के सुख, इन दोनों के लिए कमजोरी के योग देता है। ऊपर से गुरु चंडाल योग यानी कि बृहस्पति और राहु का इकट्ठा होना जो घर में सुख शांति और समृद्धि दोनों के लिए हालात को खराब करता है। बेटा यही दो योग के कारण ये मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे घर में तकलीफें हैं, और ये नहीं कि ये इस बच्चे की कुंडली के अंदर आ गया इसलिए, क्योंकि जो बच्चे की कुंडली के अंदर है वही पहले दादा की कुंडली में चला होगा, वही पिता की कुंडली में चला होगा और वहीं से ये बच्चे की कुंडली के अंदर आता है। तो यानी कि तुम्हारे घर में अगर जब भी तोड़ फोड़ होगी या कोई भी रिपेयरिंग होगी तब तब खराबी के हालात आएंगे। तुम्हारे घर में जितनी ज्यादा सीलन आएगी उतनी ही ज्यादा तकलीफों के योग बनेंगे, और जितना ज्यादा घर के अंदर किसी को भी कफ खांसी जुकाम रहेगा उतनी ही ज्यादा तकलीफें आएंगी। अब ऐसी अवस्था के अंदर जब तक हम इन दोनों योगों का इलाज नहीं कर देते बेटा, तब तक समृद्धि के योग कमजोर है। ये उपाय है बेटा कि 43 दिन लगातार 200 ग्राम जौ लेकर के उनको दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह करना, और 200 ग्राम जौ को दूध के साथ धोकर लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे दबाना। दूसरा उपाय है बेटा 43 दिन तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर के उसको जल प्रवाह करना। हर शनिवार को 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के दान देना और दूध के अंदर शहद मिला के वो मंदिर के अंदर देना। बेटा ये चार उपाय करो, परमात्मा की दया से कर्जा भी उतरेगा, घर के अंदर धन की कमी भी दूर होगी और इसके बाद इसके पिता को भी कामकाज के लिए कहीं तरसना नहीं पड़ेगा, सब बहुत अच्छा चलेगा। खुश है दादा। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, रेखा आनंद है दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था, उनका डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 2005, टाइम है उनका 2:35 दोपहर को, दिल्ली का जन्म है। तो मुझे अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में पूछना था, उसकी लाइफ को कोई खतरा तो नहीं है, और उनके जो फादर है बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। बेटा इसकी जन्म कुंडली के अंदर खराब वाले शनि चौथे घर के अंदर बैठे हुए हैं, और जब ये चौथे घर के शनि वाला बच्चा हो जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा तकलीफें माँ को भोगनी पड़ती हैं। माँ को काम भी करना पड़ता है, माँ बीमार भी रहती है, माँ का गुस्सा भी चढ़ा रहता है, ऐसे बच्चे की लिखाई पढ़ाई के लिए भी हालात थोड़े कमजोर रहते हैं, और क्योंकि पिता वाला चुक रहा है बेटा, वो बैठा ही ऐसी जगह पे है राहु के साथ संबंध बना करके कि जिसके अंदर बेटा
पिता के लिए वाकई में एक जोश के खराब होने वाले हालात और शरीर के खराब होने वाले हालात, ये दोनों बनते हैं और गुस्से की मात्रा को ज्यादा बढ़ाता है। इसके जीवन को किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। पराक्रम भाव में बैठे हुए चंद्रमा आयु को लंबा करते हैं। तो अब उपाय, सबसे पहले बेटा जो उपाय करना है वो यही कि इसके पिता को और इसको कहना है कि ये हमेशा रसोई में भले बैठ के भले खड़े होके ये खाना खाएं, ये कभी भी बिस्तर पे खाना ना खाएं। दूसरा, अपने घर से बंद घड़िये, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, ये सब निकाल दो। फिर तीसरा उपाय, 43 दिन लगातार दूध और चावल मंदिर के अंदर दो। हर बृहस्पतिवार को 4 पीले नींबू बिना दाग के वो मंदिर में देना और हर शनिवार को शनि मंदिर के अंदर सरसों का तेल चढ़ाओ। तो ये उपाय करो तभी हालात सारे उत्तम हो पाएंगे। खुश रहना। अगर आप भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। बस आपको अपना फोन उठाना है, ऐप स्टोर में जाके गुरुदेव की ऐप टेल माय लक अपने फोन में डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आप अपने भविष्य से जुड़े सभी सवालों का जवाब इस ऐप में पा सकते हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम गुरु जी से जानेंगे माला माल बनाने वाले गुरु मंत्र के बारे में जानेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आप पर कैसे बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। और अब बारी आती है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों का सुबह का समय तो उत्तम होगा। हर तरह का जोश, चुस्ती, फुर्ती सब दिखाई देगी, परंतु कामकाज की वजह से कुछ तनाव पहले बन सकता है, फिर खाम खाई का किसी न किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा या परेशानी उत्पन्न हो सकती है किसी के साथ। इसीलिए अगर अपने क्रोध पे काबू रख के चलोगे तो ही दिन सफलतापूर्वक पार होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज ज्यादातर दिन उत्तम है, लेकिन आज आपके स्वभाव से चंचलता दूर होती हुई दिखाई देगी, परंतु अपने गंभीर स्वभाव, सोचने समझने की शक्ति के कारण आज आपका दिन उत्तम जाएगा और कामकाज में आ रही दिक्कतों को आप अपनी मेहनत से दूर करेंगे और पारिवारिक सुख भी आज के दिन आपको अच्छा प्राप्त होगा। धनु राशि वाले आज का दिन अगर बाहर जाके अपने कामकाज में बिताएंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। हर तरह से आपका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली बना रहेगा, इसीलिए हर ओर से सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा, परंतु परिवार से मिलने वाले सुखों में कुछ न कुछ कमी दिखाई देगी। इसीलिए कामकाज में आज का दिन लगाइए तो देखिए उसकी तरफ से आपको खुशी प्राप्त होगी। तो गुरुजी ने ये तो बता दिया है कि शुक्र आपकी जिंदगी में कैसे अच्छे और बुरे फल देता है। गुरुजी, अगर बुरे फल दे रहा है तो उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा, अगर उपायों की भी बात है ना, तो मैं अच्छे वाले से ही शुरू करूंगा, क्योंकि शुक्र अगर अच्छा हो और तब उसके वाकई अच्छे वाले अगर उपाय कर लिए जाए तो जिंदगी के अंदर बहुत ही अच्छी प्रॉस्पेरिटी देता है, बहुत ही अच्छे धन देता है, सब कुछ देता है। तो जिनका अच्छा भी है बेटा, उन लोगों को अपने जीवन के अंदर एक चीज उतार लेनी चाहिए। नंबर एक, शुक्र अच्छे वालों को बहुत देर तक सोने की आदत होती है, यानी कि 10, 11, 12 बजे सुबह उठते हैं, बल्कि दोपहर को ही उठते हैं ये। एक तो ये बुरी आदत त्याग दो, और दूसरा, जब भी सुबह उठे नहा धो ले थोड़ा जल्दी, और उसके बाद में अगर अपने घर पे चाहे धूपबत्ती चाहे अगरबत्ती खुशबू वाली अगर लगा के रखते हैं तो बेटा ये शुक्र और प्रबल यानी कि और अच्छा होता है। जितना परफ्यूम का डियो का प्रयोग करोगे उतना ही अच्छा होगा। घर के अंदर अपने कभी भूल के भी गहरा लाल रंग, गहरा नीला रंग और गहरा पीला रंग, ठीक है, और गहरा हरा रंग, बेटा गहरे रंगों का पेंट पॉलिश बिल्कुल ना करवाएं। दीवारों के ऊपर जितने रंग हो, पर्दों के अंदर जितने रंग हो, चादरों के अंदर जितने रंग हो, ये गुलाबी कलर और हल्के रंग, इनका अगर आप इस्तेमाल करोगे शुक्र और बहुत अच्छा प्रबल होगा और बहुत सारे सुख देगा। कभी भी आलस के अंदर ऐसे ही उठ के जाना यानी कि बिना तैयार हुए घर से निकलना, बेटा ये तो शुक्र अच्छे वालों के लिए एक तरह का जहर है, क्योंकि अब इसके विपरीत शुक्र खराब वालों को खास तौर पे क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने जीवन का नियम बना लें कि हर 3 महीने के बाद अपने वजन के बराबर ज्वार मंदिर के अंदर देनी है, या मंदिर में किसी ने अगर गाय पाल रखी है तो वहां जरूर दें। शुक्र खराब वाले को भूल के भी कभी सफेद गाय की सेवा नहीं करनी चाहिए। काली गाय हो, लाल गाय हो, इनकी सेवा करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा।
और फिर सबसे बड़ी बात कि जिन दिनों में सर्दियों के मौसम के अंदर चरी आती है बेटा, समझे, यानी कि ज्वार, ज्वार का जब पेड़ बड़ा हो जाता है उसे चरी बोलते हैं, तो उसका मौसम आए तो हो सके 5-10-15 दिन लगातार अपने वजन के बराबर वो चरी लेकर के गाय को जरूर डालते रहें, और खास तौर पे मंदिर में खड़ी गाय हमेशा साफ सुथरे धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े ही पहने, परफ्यूम डियो का प्रयोग लगातार करें और दही का सेवन हर रोज करें सुबह करें, क्योंकि खाने पीने की वस्तुओं में दही और गाय का देसी घी ये बेटा प्योर शुक्र की कैटेगरी में आता है। अगर इनका आप इस्तेमाल करते हो तो शुक्र शरीर के अंदर कभी भी कमजोर नहीं पड़ता। और चौथा कि चाहे सुबह हो चाहे शाम हो बेटा दौड़ जरूर लगाएं। और अब बारी आती है मकर कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज आप सभी का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए आज धन से संबंधित कोई न कोई तकलीफ तो जरूर आ सकती है या उससे संबंधित कोई न कोई परेशानी दिमाग में हो सकती है, इसके अलावा सारा दिन उत्तम है। आज मन में हर तरह का जोश, चुस्ती, फुर्ती सब कुछ बना रहेगा, परिवार में भी काफी खुशनुमा माहौल बना रहेगा, और कुछ न कुछ नया सोचना, कुछ न कुछ नया करना, इसके लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम हो सकता है। अगर आज आप अपने कामकाज के अंदर किसी की सहायता लेते हैं, किसी से एडवाइस लेते हैं, तो किसी न किसी की मदद से आज आपको लाभदायक फलों की प्राप्ति होगी। घर परिवार में या रिश्तेदारी में कोई न कोई मांगलिक समारोह भी हो सकता है जिसमें आप शामिल होंगे, और हर तरह से भाग्य आपका साथ देगा और दूसरों पर आपका प्रभाव भी उत्तम पड़ेगा। मीन राशि, आज अगर मीन राशि वालों ने अपने पे काबू रखा, अपने अंदर गुस्से को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया और बेमतलब के वाद विवाद में अगर ना पड़े, तो आज के दिन हर तरह से लोगों का सहयोग भी मिलेगा, लोगों का साथ भी प्राप्त होगा और काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व आज आप बनेंगे, यानी कि अपने काम सफल करने के लिए अच्छा दिन है अगर आप क्रोध पे नियंत्रण बना के रखते हैं। गुरु जी, शुक्र का माँ लक्ष्मी से क्या कनेक्शन होता है, और कहते हैं कि शुक्र ग्रह मजबूत है तो बहुत धनवान बनाता है, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है बेटा, लेकिन हर इंसान इतना लकी नहीं है कि उसकी कुंडली के अंदर शुक्र बहुत ही अच्छा है। बहुत ही कम लोगों की कुंडलियों के अंदर ये पूरी तरह से संभव हो पाता है, लेकिन हम अपनी दिनचर्या को ऐसा बना सकते हैं कि शुक्र बहुत अच्छा रहे, और शुक्र अच्छा रहेगा तो धन भी आएगा, गाड़ियों के सुख भी आएंगे, लग्जरी के सुख भी आएंगे, विपरीत लिंगी के भी सुख आएंगे, जीवन साथी के सुख आएंगे, यानी कि हर जगह हम अपनी किस्मत बना सकते हैं। लेकिन वो संभव कैसे? अगर मान लो जन्म कुंडली के अंदर शुक्र बहुत ज्यादा प्रबल नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो बेटा इसी को अच्छा करके चलना तभी जिंदगी के अंदर कामयाबी देता है। उसके लिए करना क्या चाहिए? उसके लिए करना ये चाहिए, सबसे पहले जो सुबह सवेरे का वक्त है बेटा उसको जरूर उठना चाहिए, यानी कि जो कहते हैं ना सूर्य उदय से पहले, या जब तक कम से कम सूरज की किरणें निकलनी शुरू होती है उस वक्त उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समय एक ऐसा समय है जो बृहस्पति और सूर्य इनका मिला हुआ समय होते हैं और यहीं से शुक्र की उपज शुरू होती है। तो उस वक्त पे उठना, सुबह सवेरे उठ करके सबसे पहले नहा ही लेना, और फिर उसके बाद में अपने घर की साफ सफाई होके सुगंधित वातावरण करना, और इसके बाद में गाय की सेवा के लिए जरूर जाना, यानी कि जो भी इंसान गाय की सेवा करता है और गाय को अपने हाथ से चारा डालता है, उसके शरीर पे हाथ फेर के प्यार करता है और सहलाता है बेटा, उसके अंदर शुक्र की ऊर्जा अपने आप भर भर के आती है। समझे? देखो बेटा, इस धरती के ऊपर कोई ना कोई जीव जंतु, कोई ना कोई धातु, कोई ना कोई वनस्पति किसी ना किसी एनर्जी के सोर्स है। जो गायें हैं वो शुक्र की एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है इस धरती के ऊपर, तो इसीलिए गाय की सेवा को हमारे शास्त्रों में भी इसीलिए बहुत बड़ी प्रधानता दी गई है। इसीलिए गाय को माता का रूप कहा गया है, क्योंकि जिस इंसान की ऊर्जा के अंदर शुक्र की मात्रा ज्यादा रहेगी वो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कभी फेल हो ही नहीं सकता, और जिसके शरीर के अंदर, उसके ऑरा के अंदर शुक्र की ऊर्जा की मात्रा कम रहेगी वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता।
तो मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर शुक्र की ऊर्जा की कमी है, तो बेटा गाय की सेवा ही एक ऐसी चीज है जो कि लाल रंग की गाय या काले रंग की गाय की सेवा करने के बाद ये ऊर्जा आपको प्राप्त होती रहे। तो बेटा ये करते रहो, जिंदगी के अंदर सारे काम पूरे होंगे, हर तरह का जीवन साथी का गृहस्थी का सुख प्राप्त होगा, जो भी काम सोच लोगे उसको करके बाज आओगे, सहन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, धैर्य बहुत बढ़ जाएगा और बुद्धि बहुत बढ़ जाएगी और ऊर्जा शरीर की बहुत बढ़ जाएगी। तो बेटा यही तो सही मायने में तरीका है कि कामयाबी को पाने का। तो बेटा गाय की सेवा करो, डीओ परफ्यूम का इस्तेमाल करते रहो, साफ सुथरे धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े पहनो। बेटा शुक्र को जगाने के लिए इतने ही उपाय बहुत हैं, इनको करते रहो, शुक्र को प्रबल करो और जिंदगी में कामयाब रहो। टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है gurumantra@itvnetwork.com, उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। बस अपनी परेशानी और फोन नंबर हमें लिख भेजिए, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं, तरीका बहुत ही आसान है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप तुरंत कॉल कीजिए। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अर्पित जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से लाइव। बहुत बहुत स्वागत है अर्पित जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 दिसंबर 1991 है। प्लेस ऑफ बर्थ मेरा शिवपुरी है और टाइम ऑफ बर्थ मेरा 10:15 PM है। अर्पित जी आप सवाल कर सकते हैं। मैं काफी लंबे टाइम से प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यूज दे रहा हूँ, सिलेक्ट नहीं हो रहा हूँ, कभी रिजेक्ट हो जाता हूँ, कभी कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, कभी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम आती है। क्या मैं सही फील्ड चूज कर रहा हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही डायरेक्शन बता दीजिए। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर इस वक्त का समय बहुत ही बुरा चल रहा है, जिसके अंदर चंद्र अष्टम भाव और शनि छठे भाव के अंदर जो बैठे हुए हैं, ये हमेशा कंफ्यूजन में डालता है, अपने पढ़ाई लिखाई अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग लाभ नहीं देता। और अगर नौकरी लग भी जाए तो पांचवे घर का राहु अपने आप जा करके नौकरी के अंदर असफलता देता है, कोई ना कोई ऐसे हालात पैदा करता है कि चाहे अपने सीनियर के साथ चाहे कुलीग के साथ में कोई ना कोई खराब हालात करके इसने नौकरी को छुड़वाना होता है। अब जब तक बेटा इन तीनों ही ग्रहों का इलाज तुम करके नहीं चलते, तब तक तुम्हारी निजी क्षेत्रों में हो या सरकारी क्षेत्रों में हो, तुम्हारी नौकरी के हालात खराब है। इसके लिए सबसे पहले उपाय करना, सबसे पहले शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे के अंदर सरसों का तेल भरकर उसमें मुंह देख करके ढक्कन रख के सीमेंट से बंद कर देना उसे, और शनिवार दोपहर को उसके साथ दो चार ईंटे बांध के उसको खड़े पानी के अंदर उसको तालाब वगैरह में छोड़ के आ जाना। ध्यान ये रखना है कि कहीं अगर मटके का ढक्कन खुल गया तो तुम्हें ये दोबारा अगले शुक्रवार करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखे कि ये ढक्कन ना खुले उसमें जाए। दूसरा बेटा, घर की दहलीज के ऊपर चांदी का पतरा लगाना, यानी कि जितनी चौड़ी दहलीज हो उतना ही लंबा चांदी का पतरा लगना चाहिए जो आधा इंच चौड़ा हो, और 11 दिन लगातार 11-11 मूली अपने सिराने रखनी है पत्तों सहित, और सुबह उठकर के मंदिर के अंदर देनी है। और अब फाइनल उपाय, और वो है कि हर अमावस को खीर बना करके मंदिर के अंदर देना। अमावस से एक दिन पहले रखी रात्रि को बेटा खीर तुम बना लो और वो ठंडी हो जाएगी रात भर में, और सुबह उठकर थोड़ी सी खीर जाकर के मंदिर के अंदर देना। और शमशान घाट का पानी, यानी कि कांच की बोतल के अंदर शमशान घाट के हैंडपंप से या प्याऊ से पानी लेकर के आना और ढक्कन बंद करके अपने घर पे रखना। और ये जो शमशान घाट का पानी है बेटा, कम से कम 16 साल तक तुम्हारे घर पे रहना चाहिए, यानी कि 16 साल तक इस बोतल को संभाल के रखना, ये टूटनी नहीं चाहिए। और ये उपाय अगर करोगे तो बेटा तब जाकर के तुम्हारी नौकरी के हालात अच्छे बनेंगे और तब कामयाबी मिलेगी, नहीं तो ये अभी भी कम से कम 2.5 साल तुम्हें ज्यादा तकलीफ देगा, बीच में नौकरी लगेगी भी तो छूट जाएगी। तो ये उपाय करो, सुखी रहो। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरु जी क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा आज अगर शुक्र की बात हो रही है तो शुक्र शरीर में प्रबल कैसे बनता है? प्रबल ऐसे बनता है बेटा कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल अच्छी अवस्था में हो या मंगल को अच्छा कर लिया जाए, और चंद्र अच्छी अवस्था में हो या चंद्र को अच्छा कर लिया जाए, तो चंद्र और मंगल इन दोनों का मेल मिलकर के शुक्र बनाता है। जैसे आप देखते हैं कि जब भी किसी जच्चा को बच्चा होता है तो उसके बाद में उसको खाने के लिए देसी घी में बनी हुई आटे की या सूजी की एक पंजीरी देते हैं जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा डाले जाते हैं।
तो वो किस लिए डाले जाते हैं? ताकि इस बच्चे का जो शुक्र खराब हुआ है बच्चे को जन्म दे करके, जो कमी आ गई है शरीर के अंदर, उसकी भरपाई कर सके। तो इसीलिए बेटा उसके अंदर देसी घी यानी कि चंद्रमा और साथ में मंगल की यानी कि ताकत की वस्तुएं, बेटा ये मिलकर के ये शुक्र को बनाते हैं, उसको अच्छा करते हैं। अगर आम जीवन में भी चाहे मर्द हो या औरत हो, जिसका भी शुक्र खराब हो, अगर वो हर मंगलवार को दूध के अंदर शहद डाल के या गुलाब का किसी भी तरह का अर्क डाल के और मीठा डाल के अगर गरीबों में बांटता है और स्वयं भी पीता है और साथ में थोड़ा सा मंदिर के अंदर भी चढ़ाता है, तो बेटा उस इंसान का शुक्र कभी भी बुरेपन पे नहीं रहता। वो थोड़ा समय तो जरूर लगता है, 8-10 महीने लग जाते हैं लगातार करने पे, लेकिन बेटा शुक्र अच्छा जरूर हो जाता है। तो इसीलिए आप सबसे हिदायत कि जिनकी भी शरीर के अंदर सुस्ती रहती है, जो अपने कामों को पूरा नहीं कर सकते, जो जीवन साथी के साथ हमेशा लड़ते रहते हैं, बेटा उन लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए, यानी कि दूध के अंदर शहद या गुलाब का अर्क वगैरह डाल के, मीठा डाल के गरीबों को पिलाना हर मंगलवार को, थोड़ा सा मंदिर में देना और थोड़ा सा स्वयं भी पीना। जो भी लोग ये उपाय करेंगे उनका शुक्र, चंद्र, मंगल सब अच्छे होंगे, और जब ये अच्छे होंगे तो गृहस्थी अच्छी होगी, कमाई अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी और दुनियादारी के अंदर सहन शक्ति उनकी बढ़ा करके दुनिया के अंदर हर काम को ये उपाय संभव करवा सकता है। तो ये करिए और सदा सुखी। तो इसी के साथ ही आज हमारे दर्शकों को पता चल गया है कि कैसे आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करके मालामाल बन सकते हैं। बस आप गुरुदेव के बताए लक्षणों को याद रखिए और उपाय करते रहिए। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया की सारी जानकारी। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः।